हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजॉयिंग डब्बा। सो आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कभी कभार हमारे जो मोबाइल फ़ोन में अगर हम कोई मूवी प्ले करते हैं सो ब्लैक स्क्रीन में आती है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि आप जब भी कोई मूवी डाउनलोड करते हो आप कुछ ज़्यादा ही HD प्रिंट या तो वैसा डाउनलोड कर लेते हो जिसके कंपेटेबल में आपका मोबाइल वो प्रिंट को प्ले नहीं कर सकता। तो आप जैसे देख रहे हो कि मेरे स्क्रीन पर ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, बट एक्चुअल में ब्लैक स्क्रीन नहीं, यहाँ पर मूवी प्ले हो रहा है बट मुझे यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पूरा दिखा रहा है। आप कहीं पे भी चले जाओ मुझे ये पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। बिकॉज मेरे कंपेटिटर में मैंने कुछ ज़्यादा ही हायर प्रिंट डाउनलोड कर ली थी। सो इसका एक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में कोई भी मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए MX प्लेयर में आपको सजेस्ट करता हूँ, और भी हैं बट ठीक है। MX प्लेयर एक है जिसके मदद से आप कोई भी मूवी जो भी रहते हैं आप वो प्ले कीजिए, वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो सेट कर लेगी। मैं आपको प्ले स्टोर में जाके दिखा देता हूँ कौन सा ये ऐप है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है MX प्लेयर। सर्च करोगे ये पहला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, फिर वापस मैं अपने मूवी के उस पर चले जाता हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो भी आपका मूवी है आप उसको ओपन विद करके, मैं मुझे ऐसा सेटिंग करना पड़ता है। सो मोर पे क्लिक करता हूँ, ओपन विद, एंड यहाँ पे मैं MX प्ले सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी अभी ये चलता है कि नहीं। सी आप देख सकते हो अभी पूरा मेरा मूवी प्रॉपरली चल रहा है। सो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप कोई भी मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लीजिए। MX प्लेयर मेरे हिसाब से अच्छा है बिकॉज उसमें ज़्यादातर कुछ भी फीचर्स हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं। सो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए तो जो आपको ठीक लगे। बस यही एक शॉर्टकट था, यही एक रीज़न है आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।